थोड़ा सा घूम रहा है, अब उड़ गया है और जो कि यहीं तक उड़ रहा है। हेलो गाइज, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। मैं आपका दोस्त सरगुन गोसाई। तो आज के वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि एक पार्सल आया है मेरा, ये तो देखते हैं इस पार्सल के अंदर क्या है और इसकी अनबॉक्सिंग भी करता हूं मैं। तो देखते हैं, तो ले चलते हैं आपको अनबॉक्सिंग पे। तो इसके पहले सील काट लेते हैं। इसके अंदर क्या है, इसके अंदर आए हैं स्विफ्ट कंपनी का एक ड्रोन जो मैंने अमेजोन से परचेज किया था। तो इसकी डिलीवरी हो गई थी आज। तो देखते हैं इसके अंदर क्या क्या है। तो ये है ड्रोन। ये इसके कुछ मैनुअल आए हैं जो इसके अंदर चेक किया है। ये ड्रोन है और जो ये देख रहे हैं आप, ये देख रहे हैं जगह यहाँ पे लगेगी बैटरी। और जो इसमें एक बेहतर चीज दे रखी है वो दे रखी है टाइप सी चार्जर। टाइप सी का जैक दिया है जो बहुत ही बढ़िया है। और जो आप और देखते हैं क्या क्या इसके अंदर, और ये क्या आया है रिमोट कुछ इस तरह का है, और ये भी जो है टाइप सी वाला है। और एक इसके साथ आई है रिंग, इसको कुछ इस तरह से लगाते हैं और फिर इसके अंदर है बैटरी 3.7 वोल्ट की बैटरी है, 1100 mAh की, तो बहुत ही बढ़िया बैटरी है। तो आप देखते हैं ड्रोन को स्टार्ट करके उड़ा के। मेमोरी कार्ड मैं 8 GB का एक मेमोरी कार्ड लगाता हूँ इसमें। देखिए, जो एक इसमें बढ़िया चीज दे रखी है वो है इसकी मेमोरी कार्ड लगाने की जगह बिल्कुल अंदर। देखिए, इंसर्ट कर दी मैंने। और जो इसमें देख रखे हैं आप, इसके ये टांग देख रहे हैं, ये फ्लेक्सिबल हैं। देखिए, रबड़ के हैं। अगर मान लो आपका ड्रोन लैंडिंग करते समय अगर जोर से भी गिरता है धड़ से, तो क्या होता है कि रबड़ों से इसको कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो इसलिए जो इसकी रबड़ टांगे दे रखी हैं वो बहुत ही फ्लेक्सिबल हैं। देखिए, इसके अंदर बैटरी लगा के देखते हैं। और इसमें देखो ड्यूअल कैमरा दे रखा है, एक कैमरा यहाँ फ्रंट पे और एक नीचे, और जो इसके दो हैं ये सेंसर है। जब ये लैंडिंग करता है या टेक ऑफ करता है उस टाइम जो ये सेंसर है, या जब हम इसको ऑपरेट करते हैं तो उस टाइम ये सेंसर काम करेगा। देखिए,
इसका जो ऑन ऑफ है वो देखिए कुछ इस तरह का है। ये देखिए ऑन हो गया है, जो ये रिंग है इसको कुछ इस तरीके से पहन दें अंगूठे में इस तरीके से। जो ये रिमोट है देखिए ऑन हो गया है, कुछ बीप बजा रहा है। ये देखिए इसका मतलब है ड्रोन अपने कंडीशन चालू कंडीशन में आ गया है। तो गाइस जो ये रिमोट है इसके फीचर कुछ इस तरीके से हैं। अभी ये सबसे पहले आपको इस पोजीशन में रखना है ऐसे करके, जो इसमें सिग्नल दे रखे हैं रिमोट पे। तो ये क्या करना है, आप अगर अपनी उंगली को इस रिंग लगा के इस तरफ ले जाओगे तो ड्रोन इसी तरफ जाएगा, आप अगर अपनी उंगली को इस तरफ ले जाओगे तो आपका ड्रोन इसी तरफ जाएगा इस तरफ, और आप आगे को करोगे तो आप आगे को ये जाएगा ड्रोन, और पीछे को अगर उंगली करोगे पीछे को तो पीछे को ही ड्रोन जाएगा। जब इसको हम टेक ऑफ कराते हैं तो टेक ऑफ करने के लिए क्या करना है, ऐसे और सीधे ऊपर वो टेक ऑफ करने पर लग जाएगा। अगर आपको लैंड कराना है लैंडिंग करानी है तो क्या करना है, आपको उठा सीधे नीचे कुछ सेकंड के लिए नीचे, तो उस टाइम क्या होगा ड्रोन नीचे ही आ जाएगा। और जो यहाँ पे बटन दे रखा है ये वो इधर उधर घूमने वाला, तो जब ड्रोन अपनी एक्चुअल कंडीशन में एक तरह एक जगह पे खड़ा हो जाएगा तो क्या होगा, इस बटन से जो हम कैमरों की डायरेक्शन है उसको चेंज कर सकते हैं। अगर हम बटन को इस तरफ को घुमाएंगे तो क्या होगा, ड्रोन की कंडीशन ऐसे ड्रोन अपनी घूम जाएगा। अगर इसको इस तरह घुमाएंगे तो ड्रोन क्या होगा घूम जाएगा और अपनी ही पोजिशन। तो इस तरह के फीचर हैं छोटे से रिमोट के, और इस जो ये रिंग है इसके बगैर ये ड्रोन नहीं चलेगा। तो ये रिंग को हमें क्या करना है, और इस तरीके से हमें उंगली पे लगाना है। ये देखिए अर्जुन भाई ड्रोन का ट्रायल लेते हुए, और ड्रोन जो कि असफल हो रहा है, पता नहीं क्या दिक्कत हो रही है इसमें, ये उड़ने में थोड़ी सी प्रॉब्लम कर रहा है, थोड़ा सा घूम रहा है, अब उड़ गया है और जो कि यहीं तक उड़ रहा है। ये हमारे अर्जुन भाई ड्रोन का ट्रायल लेते हुए, और ये यहीं से इसकी उड़ान जो है यहीं तक सीमित है, पता नहीं क्या दिक्कत है। तो गाइस मैंने तो ये ड्रोन अमेज़न से परचेज किया था, तो इसमें क्या हो रहा है कि जब हम इसको टेक ऑफ करा रहे हैं तो इससे ज़्यादा ये नहीं उड़ा है, जबकि ये 4 फीट कुल उड़ पा रहा है, और ये जो इसमें बता रखा है टेक ऑफ कि 300 मीटर तक की इसकी रेंज है। अब देखिए ये हमें वापस करना पड़ेगा शायद अमेज़न में, नहीं उड़ मुझे हाँ ज़्यादा ये नहीं। दिखाओ एक बार मोड़ो कुछ उड़ाना है। जैसे ही मैंने ड्रोन की अनबॉक्सिंग की थी वैसे ही पैक कर दिया है, क्योंकि जो ड्रोन था वो ख़राब आया है, तो इसलिए मैंने इसको फिर अमेज़न को वापस करूँगा।